दोस्तों, क्या आपने ऐसी वाटर स्लाइड देखी है जिसमें मौजूद एक होल में जाने के बाद पता ही नहीं चलता कि वो इंसान कहाँ गया, या फिर ऐसी वाटर स्लाइड देखी है जिसमें बहुत सारी खतरनाक शार्क्स को रखा गया हो जो किसी भी पल किसी भी इंसान को एक सेकंड में मार के खा सकती हो, या फिर ऐसी स्लाइड देखी है जिसकी स्पीड के चलते उसे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल किया गया हो? अगर नहीं देखी तो चलिए दोस्तों, आज मैं आपको कुछ ऐसे ही टॉप डेंजरस वाटर स्लाइड्स के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा मजेदार होने वाली है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें और अपने पसंदीदा वाटर स्लाइड को कमेंट में भी जरूर लिखें। तो दोस्तों, आज की हमारी टॉप डेंजरस वाटर स्लाइड की लिस्ट में नंबर 5 पर है ब्लैक होल। जर्मनी में बनाई गई ये वाटर स्लाइड बहुत ही ज्यादा आकर्षक और डेंजरस है। दोस्तों, इस स्लाइड में बहुत ही रोमांचक लाइट्स और म्यूजिक को लगाया गया है जो स्लाइड्स लेते समय एक बहुत ही मनमोहक एनवायरनमेंट क्रिएट कर देती हैं। दोस्तों, इस स्लाइड में लगी तरह तरह की लाइट्स देखने में सुंदर के साथ साथ बहुत ज्यादा खतरनाक भी है, क्योंकि ये लाइट्स कुछ ऐसे ही इल्यूजंस क्रिएट करती हैं जो स्लाइड लेने वाले के सर को चकरा देती हैं, जिस वजह से उनके साथ बहुत बड़े हादसे भी हो सकते हैं। दोस्तों, इस स्लाइड का नाम ब्लैक होल इसलिए रखा गया है क्योंकि यहाँ पर जरा सा भी सूर्य का प्रकाश नहीं आता, ये दिन में भी पूरी तरह अंधेरे से भरी रहती है। दोस्तों, इस 25 फीट बुलंद और 265 फीट लंबी इस स्लाइड के मजे लेने लोग बहुत दूर दूर से आते हैं। तो दोस्तों, अब हमारी लिस्ट में नंबर 4 पर है स्पेस बाउल वाटर स्लाइड। दोस्तों, ये वाटर स्लाइड वीडियो में जितनी ज्यादा खतरनाक दिख रही है उससे ज्यादा खतरनाक ये रियल में है। इस स्लाइड के पूल में दिया गया ये होल बहुत ही ज्यादा डेंजरस है, जिसमें गिरने के बाद पता ही नहीं चलता कि इंसान कहाँ गया। दोस्तों, ये स्लाइड को करते समय बहुत से लोगों को बड़ी बड़ी दुर्घटनाओं का सामना करना पड़ा है, जैसे कि आप इस वीडियो क्लिप में देख सकते हैं। बारी बारी से लोगों को स्लाइड में छोड़ने की वजह से इस पूल में वो एक दूसरे से टकरा जाते हैं और झटके के साथ इस पूल में गिर जाते हैं, जिसकी वजह से बहुत से लोग बहुत बार काफी सीरियस इंजरी के शिकार भी हुए हैं, जिस वजह से इस स्लाइड को कई बार बंद करने का भी आदेश दिया गया। दोस्तों, इस स्लाइड को ब्राजील के थर्मस डॉस लॉरेंजेस वाटर पार्क में बनाया गया है। इस स्लाइड के लिए डेंजरस होने के बावजूद भी यहाँ पे हर साल लाखों की तादाद में लोग पहुँचते हैं। तो दोस्तों, आप इस स्लाइड का मजा लेना पसंद करेंगे या नहीं, कॉमेंट में जरूर बताना। तो दोस्तों, अब हमारी लिस्ट में नंबर 3 पर है इंसानो वाटर स्लाइड। दोस्तों, ब्राजील के बीच पार्क में बनी ये स्लाइड दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची और डेंजरस स्लाइड है। इस स्लाइड की ऊंचाई 135 फीट है, जो तकरीबन 14 मंजिला इमारत के बराबर होती है। ये दुनिया की सबसे खतरनाक स्लाइड में से भी एक मानी जाती है। दोस्तों, इसका खतरनाक मंजर इस स्लाइड के थोड़े से हिस्से के बाद ही शुरू हो जाता है। दोस्तों, आपको बता दूं, ये स्लाइड बिना किसी सेफ्टी नेट के बनाई गई है। ये स्टार्टिंग में तो फ्लैट ही है, पर थोड़ी ही दूर पर ये एकदम एक स्लोप के साथ 80 डिग्री के एंगल पर वर्टिकली बेंड हो गई है, जिस वजह से राइडर इस पर स्लाइड करते समय 105 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से नीचे को आता है और इस स्लाइड को पूरा करने में उसे मात्र 5 सेकंड का समय लगता है, और इसकी इसी स्पीड के चक्कर में इसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी लिखा गया है। दोस्तों, ये स्लाइड कमजोर दिल वालों के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। मेरे हिसाब से तो ये स्लाइड वही लोग पार कर पाते होंगे जिनका दिल फौलादी होता होगा। तो दोस्तों, आपको ये स्लाइड कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। अब हमारी लिस्ट में नंबर 2 पर है लीप ऑफ फेथ। अटलांटिस पैराडाइज आइलैंड में मायन टेम्पल पर बनी ये स्लाइड बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। दोस्तों, 60 फीट की ऊंचाई पर बनी ये स्लाइड पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट पाइप से कवर्ड है। दोस्तों, जैसा कि इसका नाम लीप ऑफ फेथ है, जिसका मतलब होता है भरोसे की छलांग, तो इसके नाम से आप ये अंदाजा लगा ही सकते हैं कि ये कितनी ज्यादा दिलचस्प हो सकती है। दोस्तों, आप इमेजिन करिए, आपको किसी ट्रांसपेरेंट पाइप में रखा गया और उसके चारों तरफ खतरनाक शार्क्स को छोड़ दिया जाए, तो वो मंजर कितना ज्यादा मजेदार और खौफनाक हो सकता है। सेम दोस्तों, वैसा ही सीन आपको इस स्लाइड में देखने को मिल सकता है। इसमें 60 फीट की ऊंचाई से आपको एक होल में ट्रांसपेरेंट पाइप के गुजारा जाता है और उस पाइप के चारों तरफ खतरनाक शार्क्स को रखा जाता है। दोस्तों, आप अंदाजा लगा ही सकते हैं कि ये कितनी ज्यादा डेंजरस हो सकती है। तो दोस्तों, आपको ये स्लाइड कैसे लगी कमेंट में जरूर बताना। तो दोस्तों, अब हमारी लिस्ट में नंबर 1 पर है जो दुनिया की सबसे ज्यादा खतरनाक स्लाइड है, जिसका नाम है वेरो। दोस्तों, दुनिया की सबसे ऊंची और दिल दहला देने वाली स्लाइड कैंसिस सिटी के शेल्टर बैंड पार्क में बनाई गई थी। दोस्तों, ये स्लाइड 17 मंजिल यानी कि 168 फीट 7 इंच ऊंची है, जिसने स्टैचू ऑफ लिबर्टी को भी पीछे छोड़ दिया। अगर दोस्तों जर्मनी लैंग्वेज में बेरुक का मतलब देखा जाए तो पागल या सरफिरा होता है, तो दोस्तों आप इसके नाम से इसके खौफनाक होने का अंदाजा लगा ही सकते हैं। दोस्तों, इस स्लाइड को 2014 में लोगों के लिए खोला गया था और इस स्लाइड की इतनी ऊंचाई होने के कारण इस स्लाइड पर राइडर की स्पीड 110 किलोमीटर पर आवर से भी ज्यादा होती है, जिस कारण से इस स्लाइड पर बड़े बड़े हादसे भी हुए हैं, जिनमें से एक बार एक औरत का मुंह टूट गया था और एक बार एक का जबड़ा टूट गया था। और इस स्लाइड पे सख्त एक्शन तो तब लिया गया जब 2016 में एक 10 साल की उम्र के बच्चे की मौत इस स्लाइड को करते समय हो गई थी, जिस वजह से इस स्लाइड के डिजाइनर और ऑनर के अगेंस्ट भी एक केस फाइल करा गया और इस स्लाइड को परमानेंटली बंद कर दिया गया।
तो दोस्तों आपको इन सब में से कौन सी स्लाइड सबसे ज्यादा डेंजरस लगी कमेंट में लिखना मत भूलना। और आज की वीडियो पे हम एम रखते हैं 1000 लाइक्स का, तो जल्दी से गाइस इस एम को भी पूरा जरूर कर देना। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी वीडियोस के लिए हमारे संग जुड़े रहें। धन्यवाद।